के लेट विजिट के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपने सही समय पर डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है, या आपका चेकअप नहीं हुआ है, या आपका कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, मेडिसिन आपने नहीं ली है, तो क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास लेट जाएंगे तो हमारा एक अल्ट्रासाउंड के पैसे बच जाएंगे, या मेडिसिन हमें नहीं खानी पड़ेगी, या कोई और कारण भी हो सकता है। तो डॉक्टर के पास जाने का सही समय कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद इशू। आई होप आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बट जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, जरूर मैं उसका आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि आज अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो आपकी नेक्स्ट विजिट कब होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपने आज ही यूरिन टेस्ट किया है और यूरिन टेस्ट में आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो इट मींस कि आपको आज नहीं तो कल तो डॉक्टर की विजिट करनी ही चाहिए। बहुत सारे केसेस में तो 5 वीक्स में प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, मतलब कि यूरिन टेस्ट से आपको जो घर पे आप टेस्ट करते हो यूरिन टेस्ट, उसके पॉजिटिव आने से आपको रिजल्ट मिल जाता है। बट कुछ लेडीज़ के यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव ना आने के कारण वो 2 और 3 डेज़ का वेट करती हैं, या हो सकता है 5 डेज़ या 7 डेज़, 1 वीक का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इट मीन्स कि आपको पता चलता है कि 5वें हफ्ते या 6वें हफ्ते में 5 वीक्स और 6 वीक्स के आसपास आपको कि आपकी प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, आपको उसी समय या अगले दिन के विजिट ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और आप डे बाय डे लेट होते चले जाते हो। जल्दी से जल्दी आपका एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जो कि आप जल्द से जल्द करवाएंगे तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही साबित हो सकता है। उसमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, 5 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में मेनली आपका जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो चेक की जाती है, दूसरी चीज़ होती है कि आपकी बेबी की पोजिशन क्या है। पोजिशन आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, जो कि बहुत कम केसेस में होती है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी आगे सफल नहीं हो सकती है तो उस प्रेगनेंसी को वहीं ख़त्म किया जाता है। इस प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपके फिलोपियन ट्यूब में ही बेबी डेवलप हो रहा है, वो आगे यूट्रस तक नहीं पहुँचा है। तो अगर फिलोपियन ट्यूब में ही आपका बेबी ग्रो करेगा तो आपकी फिलोपियन ट्यूब फट सकती है और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इससे आपकी मौत भी हो सकती है। टचवुड ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट का पता चल जाता है। बेबी की हार्ट बीट 5 वीक्स, 6 वीक्स, 7 वीक्स और 8 वीक्स तक आ सकती है। हार्ट बीट आपने 6 वीक्स में अगर अपना प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराया है तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का और वेट करना चाहिए। इट मीन्स कि 8वें हफ्ते तक मोस्टली सभी केसेस में प्रेगनेंसी 8वें हफ्ते की प्रेगनेंसी जब होती है तो आपके बच्चे की हार्ट बीट मोस्टली केसेस में आ जाती है। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो इट मीन्स कि आपको आगे अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, आपको लास्ट 9 वीक्स तक ही वेट करना चाहिए। हाँ जी, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी यूज़फुल वीडियो समझ आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेडिसिन आपकी सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड ही स्टार्ट होती है। मेडिसिन के डर से आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको आने वाले समय में ज़्यादा मेडिसिन मिलेंगी, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको लेट होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।